बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद शफकत है और आप देख रहे हैं फार्मिंग विद शफकत यूट्यूब चैनल को। आज हम यहाँ पे स्वाबी सेंट के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पे हम हमारे साथ साहब हैं, यूनिवर्सिटी या स्वाबी में ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आज हमने इनके घर विजिट किया है, यहाँ पे इनका एक डेरा बनाया हुआ है इन्होंने, हम आपको इसकी वीडियो भी दिखाएंगे। इस कल्चर के हवाले से हम फेयर साहब से बात करेंगे कि ये जो डेरा का कंसेप्ट है ये क्या है और यहाँ स्वाबी में या हुसैन यार में इसको किस तरह ऑपरेट करते हैं, इसका क्या तरीकाकार होता है। अच्छा, थैंक यू सो मच शफकत साहब। पहले तो बात ये है कि ये हुसैन यार नहीं है, ये यार हुसैन है। ठीक है, बात तो है कि एक ट्रेडिशनल नाम है और हम ट्रेडिशनली लोग हैं। तकरीबन हम जो आपने एक ट्राइब सुना था यूसुफ़ज़ई का, वो ट्राइब जो है ना इधर सेटल हो गया है, तकरीबन 400-500 साल के इधर तारीख है। तो डेरा सिस्टम जो है ना, ये या हुजरा सिस्टम, ये हमारे इन इलाकों में बहुत आम है। अभी तो थोड़ा सा जो है ना वो चेंज आए हैं, जिस तरह इंसानों में जिस तरह इन्वायरमेंट में चेंज होती है, तो इस तरह मस्ट है कि कल्चर में भी चेंज होती है। तो सिस्टम अभी भी जो है ना वो ट्रेडिशनल सिस्टम अभी चल रहे हैं, लेकिन इस हद तक नहीं जैसे कि तकरीबन 30-35 साल पहले थे। और यही डेरे होते हैं, डेरे होते हैं जो भी है, और सोशल सिस्टम या सोशल सेटअप इधर जो है ना वो बहुत मजबूत है अभी तक। सही, माशाल्लाह। तो ये जो डेरा बनता है या बनाते हैं, इसके क्या मकासद क्या होते हैं? मकासद तो गर्म घूम के भी जो है ना उसकी जो है ना एनालिसिस करें तो मकासद सिर्फ एक ही होती है कि हमारा सोशल सेटअप जो है ना उसको बरकरार रखना। सोशल सेटअप मीन हम उसको जो कहते हैं कि हम खादी खुशहाली और जो है ना वो हम, तो एक कंबाइन एफर्ट्स पे इधर की चलती है। अगर खुदा ना खास्ता इधर पर कुछ फौज की हो जाए तो सिस्टम यही है कि लोग जो है ना वो आपको जो है उसी दिन या 3 दिन या 4 दिन के लिए आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे और सोशली भी सपोर्ट करेंगे। लोग आएंगे जो है ना इधर जो है ना आपके साथ गम शेयर करेंगे, मदद के लिए भी आएंगे, हेल्प के लिए आएंगे कि किस तरह जो हम जो है ना कब्र के लिए होते हैं। तो मतलब ये है कि सारा इसका जो मेन एंड है या मेन पर्पस है हमारे इस डेरे सिस्टम का, तो एक कंबाइंड एफर्ट्स है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस यही है कि बस जो है ना वो 3 दिन या 4 दिन जो है ना ये जो इसकी जिसके साथ खुशहाली है या कोई गम है तो उसमें शरीक हो जाए। यानी अगर यहाँ पे कम्युनिटी में कोई शादी होती है या कोई फौतगी हो जाती है तो वो अपना जो उनका जो फौतगी की लोग आके बैठते हैं वो यहीं पे बैठते हैं फतेह खानी वगैरह के लिए? बिल्कुल जी, यहीं बैठते हैं। और अगर कोई शादी वगैरह होती है तो भी हम इन्वाइट करते हैं, लोग आते हैं और वक्त जो है ना वो फीलिंग हमारे साथ शेयर करते हैं कि हम उसके। ये सिर्फ आपकी अपनी बिरादरी में मखसूस है या बाकी आपकी कम्युनिटी भी यहाँ पे आती है? पाबंदी लगती है किसी पे कि सिर्फ यूसुफ़ज़ई आएगा, औचकज़ई नहीं आएगा, ये कोई इस तरह की तो नहीं है? नहीं नहीं, ये पठान रेसेस जो है ना या पठान कल्चर है जो इसमें जो है ना सारे के सारे रेसेस जो है ना गोल बैन हो जाते हैं। तो इधर कोई ये डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि जो है आप पठान के अलावा या यूसुफ़ज़ई के अलावा कोई बंदा आता है, बल्कि हमारा ट्रेडिशन यही है कि जब कोई और रेस का बंदा आ जाए ना तो हम उसको और ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि हम उससे वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, इस वजह से हम उसको जो है ना ज्यादा तो इधर कोई ये बैरियर्स नहीं है, कोई पाबंदियाँ नहीं, बल्कि एक गोल में जो है ना या इंटरेक्टिव सिस्टम है जो हम मतलब ये कि हम अगर हम प्रोड्यूसर से है जिसके साथ कोई ज़मीन है 4-5 कना या कोई दूसरे बंदा है दूसरे तरह से उसकी ज़मीन नहीं है, तो वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से ना वो सिस्टम इधर चल रहा है। हमारे इलाकों में बहुत ज़बरदस्त है अभी जो है ना, मैंने कहा कि कल्चरल चेंज मस्ट है इंसान के लिए, तो अभी थोड़ा सा जो है ना वो फ़र्क पैदा हो गए हैं, लेकिन इस हद तक नहीं है कि लोग दूसरे रेसेस की रिस्पेक्ट ना करें। ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी नाज़रीन एक्टिविटी है। यहाँ पे हम आए आज इनके डेरे पे बैठे हुए हैं, हमारे साथ हैं मोहतरम फयाज़ साहब। तो ये जो कल्चर है डेरे का, ये इनका जो ऑब्जेक्टिव है ये बहुत अच्छा है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और ऐसा हर गाँव में होना चाहिए, ऐसा हर इलाके में होना चाहिए, ताकि बहुत से हमारे अजीज़ व कारब ऐसे होते हैं जिनके पास इतनी मुनासिब जगह नहीं होती है
जिसमें वो अपनी हंसी खुशी और गम के जो इवेंट्स होते हैं वो बना सकें। तो एक कम्युनिटी लेवल पे या एक ऐसे गांव के सतह पे ऐसा डेरा ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे तमाम जो कम्युनिटी है उसको सहूलत मुहैया हो। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ भी ऐड करूँ सोशल सिस्टम के, हमारे जो माशरती सिस्टम है इसके अलावा हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है इधर जो पठानों में है वो खासकर जो है ना वो खुदाई खिदमतगर कॉन्सेप्ट वाले बादशाह खान शायद आप जानते होंगे, वो तो बहुत उस पर बहुत से पी एच डीज भी आई है अभी जो है ना रिसर्च उस पर हो रहे हैं, तो उसमें भी एक कम्युनिटी टच था। उस पॉलिटिकल सिस्टम में भी कम्युनिटी एक्ट ने बताया है कि आप कोई दूसरे रेसिस के जो इधर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, इस लिहाज से उस बादशाह खान में जो है ना वो जब पॉलिटिकल प्रोसेस चला रहे थे तो पॉलिटिकल सिस्टम में या पॉलिटिकल पार्टी में सबसे अहम जो ओहदे होते थे ना वो दूसरे लोगों को दूसरे रेसिस को देते थे ताकि ये दूसरे लोग ये फील ना करें और ये हमारे साथ रोल प्ले करें। तो पॉलिटिकली जो है ना एक ऐसी ओरिजिनली अप्रोच उधर अप्लाई की है हमारे पठानों ने या हमारे पार्टियों ने कि उसमें कुछ डिफ्रेंसिएशन पैदा ना हो। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है।